दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बैंक के नए कार्य प्रणाली को लेकर के। बैंक ने कुछ परिवर्तन किया है अपने कार्य प्रणाली में, उसके विषय में आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एक लेटर इशू किया गया है बैंक के द्वारा 1/6/2021 को, जो स्टेट बैंक सभी बैंकों के ऊपर काम करेगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो में कि क्या कार्य प्रणाली में परिवर्तन किया गया है, क्या नए अपडेट हैं सभी बैंकों के लिए। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक वाले बटन को जरूर दबा के लाइक कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए आपको सबसे पहले इसके विषय में जानकारी मिल सके। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, लाइक करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। दोस्तों आपका लाइक और शेयर मुझे मोटिवेट करेगा मेरे अगले वीडियो के लिए। धन्यवाद। दोस्तों इस चिट्ठी में ये निर्देश दिया गया है 1/6/2021 से ये नियम लागू हो रहे हैं सभी बैंकों के ऊपर, जो कार्य प्रणाली में 2/6/2021 से ये पूर्ण रूप से लागू हो जाएंगे। तो ये सजेशन जो है, ये क्या दिए गए हैं सजेशन, इसमें जितने भी बैंक मेंबर्स हैं, RBI हो या फिर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो भी है, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि वो 50% अपने स्टाफ के साथ काम करेंगे। साथ ही 2/6/2021 से लेकर के 8/6/2021 तक ये नियम अभी फिलहाल लगाया गया है। एक आपके लिए बड़ी अपडेट ये है कि बैंकिंग का जो समय है वो पहले 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो हुआ करता था, अब इसे बढ़ा करके 10 बजे से लेकर के 4 बजे शाम तक कर दिया गया है, जो आपके लिए एक थोड़ी सी राहत की खबर है। दूसरा अपडेट ये है कि जितने भी हेड ऑफिस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, LCPC है या जो भी ऑफिस है वो बैंकिंग से संबंधित, वो जो है वो 50% स्टाफ के साथ काम कर सकते हैं, नॉर्मल जो उनका वर्किंग आवर है उस दौरान। तीसरी अपडेट ये है कि जितने भी लेडीज स्टाफ काम करती हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, जो लोग घर से अपने काम कर सकते हैं, कुछ स्टाफ ऐसे भी होते हैं जो फिजिकल फिट नहीं होते हैं, तो वो लोग जो स्टाफ हैं वो घर से अपने काम कर सकते हैं, ये एक जानकारी है। चौथी अपडेट है आपके लिए, इसमें बैंकिंग के कुछ एसेंशियल सर्विसेज जैसे कैश डिपॉजिट करना, कैश विड्रॉल करना, चेक जो है वो क्लियर करिए बैंक, रेमिटेंस जो होता है ट्रांसफर एक बैंक से दूसरे बैंक में वो करेगी बैंक, और गवर्नमेंट के जो ट्रांजेक्शन है वो बैंक करेंगे, और ब्रांचेज जो है अपने सुविधा के हिसाब से और कोई ज़्यादा आवश्यक कार्य हो तो वो बैंक जो है कार्य कर सकती है। कुछ अल्टरनेट चैनल भी हैं बैंक में, जैसे कि बैक ऑफिस जहाँ चेक क्लियर किया जाता है, ATM में पैसा जमा किया जाता है, ATM में कैश जो रखते हैं वो, ऑफिस जो डेटा वगैरह बैकअप का काम किया जाता है, ATM के जो ऑफिस होते हैं, कुछ सर्विस ब्रांचेज होते हैं, कुछ इसेंशियल सर्विस के भी ब्रांचेज होते हैं, जो जिस प्रकार से काम कर रहे हैं उस प्रकार से काम करेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का रोक टोक नहीं किया जा रहा है। छठी जानकारी ये है आपके लिए कि मान लीजिए कुछ इंस्ट्रक्शन अगर स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कुछ अगर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है तो उसको वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा क्या है, ये जो सजेशन दिया गया है वो 8/6/2021 से जब तक अगली सूचना नहीं दी जा रही है तब तक ये लागू रहेगा। बाकी जो है बैंक जो है अपना जो इंस्ट्रक्शन मिला है उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करेंगे। तो ये एक जानकारी आप सभी के लिए है, तो बैंक आप बैंक के समय कार्य प्रणाली को लेकर के। अभी फिलहाल जो बैंक जो है आपके लिए बड़ी अपडेट ये है कि बैंक का जो कार्य प्रणाली है वो 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक लागू रहेगा, जैसे नॉर्मल पहले बैंक खुला करती थी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी आपकी मदद कर पाए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।